सतना जिले में 29 जून को 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसमें बच्ची की हालत चिंताजनक होने के कारण आनंद फानन में उसे संजय गांधी अस्पताल लाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला और प्रोफेसर डॉक्टर आरती तिवारी, विनय त्रिपाठी, प्रशांत शुक्ला सहित पदाधिकारी ICU वार्ड में पहुंचकर पीड़ित के परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद बच्ची के बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के डीन देवेश सारस्वत से भी बात की। इसके अलावा संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अवतार सिंह और बच्ची के इलाज कर रहे डॉक्टर शीतल पटेल से बेहतर इलाज की उन्होंने बात की और बच्ची के स्वास्थ्य की भी इस दौरान जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री और प्रशासन से पीड़ित को 50 लाख रुपए और अपराधी के घर बुलडोजर चलाए जाने की भी मांग के साथ ही अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। उसके बाद सर्जरी हुई थी, मैं ये बस आपसे ये बोलती हूँ, उसकी अभी रिसेंट उसके हालत क्या है? ठीक है जी। उसका सर्जरी इंटरनल इंजरीज है, तो उसकी सर्जरी के मतलब एक ही क्वेश्चन है सबसे बड़ा कि सतना से उसको यहाँ क्यों रेफर किया गया? तो आपके पास जब वो आई थी, ये टर्शियरी रेफरेंस सेंटर है, स्पेशलिस्ट सेंटर है ना, ओपीनियन के लिए अभी बच्चे स्टेबल है मैडम, बच्चा को रिकवर हो जाएगी, प्लान कर लेंगे फिर स्टार्ट लिए। अच्छा, एक दो दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा और कोई इसको मेजर ऐसा कुछ तो नहीं, इंटरनल नहीं है। अच्छा तो ये जो है ये लड़का कहाँ, वहीं बगल रहता था आपके घर के बगल में रहता, उसका घर है बना हुआ। पहले से घर में आता जाता था जी, घर के होगा पड़ोसी है बगल के, घर में हमारी बिल्डिंग की दुकान है, छोटा भाई की बिल्डिंग की दुकान में वो बैठा था, हो गया हमेशा बैठा रहता था। अपने घर जैसे आज 12 साल से घर बना है, तो वहाँ होगा घर जैसे छोटे छोटे बच्चे हो, साथ में उसके भी छोटे भाई हैं, उसके साथ में हो गया घर के पास में खेल कूद, लड़के बच्चे खेलते रहते हैं। अब ये नहीं मालूम था, छोटा भाई दुकान में काम कर रहा था, दोपहर में खाना खाने के लिए अंदर चला गया, घर के बगल से दुकान है, हाफ फटर गिरा दिया, और ये लड़का आया तो हो गया नशा पत्ती अपना करता है, बीड़ी उड़ी पीता है, हो गया घर में दुकान में बैठ के अपना हो गया पीता रहता था। आदमी तो ये सोचता था चलो घर का लड़का है छोटा है कोई दिक्कत नहीं, पर ये बच्ची अंदर से बाहर आई होगी, बाहर खेल रही थी, पिताजी बगल में साइकिल की दुकान की है वहाँ पर अपने काम कर रहे थे, तो वो भी ध्यान नहीं दिए, तो हो गया बच्ची ये खेल रही है, वो भी ध्यान नहीं दिए, तो ये अंदर मोबाइल लिया है बड़ी थी, उसको मोबाइल में दिखाने के लिए हो गया कार्टून वर्टून अंदर बुला लिया दुकान के, छोटा भाई खाना खा रहा है अंदर, बाहर हो गया पूरा अंदर आराम करने लगा, फिर 10 मिनट बाद हम काम करेंगे, इतने पर वो अंदर बुला लिया, वो इसके साथ में क्या किया, अब बच्ची की लाई भी नहीं, वो बाद में बच्ची बताई तो उन्होंने हाथ लगा दिया, थोड़ी देर बाद वो दुकान से निकल के बाहर चला गया अपने घर से आई, वो बच्ची गेट के बाहर निकली तो उसके कपड़े खरीद में नहीं थे, बगल में पापा को बुलाई, पापा इतने में पहुँचे बोले क्या हुआ भैया, तो बोला कि वो पजला हमारे ऊपर बाइक हमको हमारा कपड़ा उतार दिया, हमारे पास गंदा गंदा काटा, इतने में पिताजी जब उसको देखे तो वो एकदम सर से पैर तक एकदम ही ब्लेड में उसके पूरे कपड़े अंदर से लेके बाहर आ गए, बाहर पूरे ब्लेड हो गया, इतने में पिताजी पड़े तो छोटा भाई को घुराए वो भी आ गया, गए तो उसके घर था, उसके घर जा के उसको पकड़ लाएगा, पकड़ के लाए तो हो गया, तो अपने से अब वहाँ दो चार आदमी लेके और टूट गए, तो अपना उसको दो चार हाथ मारे हो गए, पुलिस को फोन करूँगा उसके घूम लेके उसको भी अपराधी को मिला के थाने पहुँचा,